नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। सिडकुल स्थित अशोक लेलैंड कंपनी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राहुल विश्वास की एक खास रिपोर्ट। पदनगर स्थित अशोक लेलैंड कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अशोका लेलैंड कंपनी से 900 वर्कर निकाले जाने के विरोध में कंपनी के गेट पर फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देश प्रदेश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती चली आ रही है, वहीं पिछले कई सालों से अशोका लेलैंड कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारी आंदोलन के शरण में आ गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहां से कम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, वहीं आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी शामिल हो चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को यह कंपनी एक इंजीनियर बनाने के उद्देश्य से लेकर आई थी और उसके बाद जब नौकरी देने की बारी आई तो कंपनी हमें नौकरी नहीं दे रही है। आपको बता दें कि इस कंपनी में उत्तराखंड के 13 जिलों के कर्मचारी यहां काम करते हैं, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की आशीर्वाद योजना के तहत इन्हें काम पर रखा गया था। अब यहां योजना विफल नजर आ रही है, वहीं कंपनी का कर्मचारी पुलिस द्वारा कंपनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज न होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है कर्मचारियों का। 13 जिलों के बच्चे हैं जिनको वहाँ के जो रिक्रूटमेंट ऑफिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ से सीधे लेलैंड ने आशीर्वाद योजना जो निशंक जी ने चालू करी थी वहाँ से इनको रखा गया। 12वीं पास करने के बाद इनके जो डिप्लोमा इनको 4 साल का है वो 6 साल में कराया गया। उस डिप्लोमा की ना राज्य सरकार द्वारा मान्यता है, ना AICTE द्वारा मान्यता है, ना केंद्र सरकार द्वारा मान्यता है। इनके मूल प्रमाण पत्र पहले ही वर्ष में रख लिए गए। इनको कहीं भी अवसर नहीं मिला कि ये किसी कॉलेज में जाते, किसी अन्य नौकरी में अप्लाई करते। लेलैंड के अलावा ये कोई काम नहीं जानते और आज की तारीख में इनका भविष्य अंधकार में है। कंपनी इनको इनमें से 160 बच्चे निकाल चुकी थी और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को लेकर बड़ी चिंता में है। ये चाह रहे हैं कि लेलैंड इन्हें आश्वासन दे, क्योंकि इस डिप्लोमा के आधार पर और जो कार्य लेलैंड में इन्होंने कराया उसमें दुनिया की किसी भी कोने में उस तकनीकी नौकरी से वंचित रहेंगे। तो इनका जो भविष्य है, 13 के 13 जिलों के बच्चे, इसकी लड़ाई लड़ना हमारी प्रतिबद्धता भी है और हम इनका भविष्य अंधकार में नहीं धकेलने देंगे। नहीं देखिए, स्ट्राइक तो हमने करनी नहीं थी बच्चों को। इंडस्ट्री जब कांग्रेस ने स्थापित करी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष जब पहली कांग्रेस की सरकार थी तब ये इंडस्ट्री स्थापित हुई। 70% यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा इसलिए स्थापित करी गई। हम तो प्रो इंडस्ट्री लोग हैं, लेकिन जो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ये तो अविश्वसनीय है। इतना बड़ा इन बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है, इनके जो जीवन के सबसे अनमोल वर्ष थे उनको एक तरीके से चोरी कर लिया लेलैंड ने। तो कम से कम एक नौकरी तो दे सकती है जितने बच्चे बैठे हैं और लेके रहेंगे हम इनके लिए। उन्होंने हमें भेजा था कि कुछ सपने देखे थे कि मेरा बेटा आगे जाके इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आगे जाके बड़े लेवल पर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हर चीज सोची है। आप कहीं भी देख लो, हम अभी गांव में जाते हैं हमें केवल कंपनी के नाम पे इज्जत रखी जाती है। उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या धोखाधड़ी हुई, हमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है और क्या है। अरे मेरे को खुद मेरे रिलेशन वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें ऑफिस में है, काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन अरे मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा उनके सामने बताइए। अब वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिप्लोमा है जो 4 साल से 6 साल चले गया भाई। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।